नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तानीज मॉन्स्टर हैं। आइए मिलकर देखते हैं डीडी रैक का ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तानी मौलिद यानी कि हारिस सुल्तान का है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए एक और बुरा दिन। तो जी हाँ, पाकिस्तान में तो रोज नई नई खबरें आती हैं, रोज रोज नए वीडियोज आते हैं, और ये सब हम नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही है। और पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, पाकिस्तानियों को लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने इस्लाम के लिए। देखो हमने ये कर दिया, देखो हमने वो कर दिया, ऐसे कन्वर्ट करा दिया, वैसे कन्वर्ट करा दिया। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने देश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उस गड्ढे में 76 ईयर से डूबे जा रहे हैं। खैर चले देखते हैं क्या बता रही हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन इस हफ्ते में तकरीबन 5 ऐसे वाकयात हुए हैं माइनॉरिटीज के साथ कि बंदा कहता है कि यार इतना कुछ बोल लिया, इतना कुछ कह दिया, इतना शोर मचा दिया, इतनी ड्रामेबाजी इन लोगों की सुन ली, फिर भी कुछ नहीं होता। फिर भी इन लोगों की ये जो टेंडेंसी है कि नॉन मुस्लिम्स को इंसान, बल्कि नॉन मुस्लिम मैं कह रहा हूँ, इसमें ये जो भी आज मैं आपको जो खबरें देने वाला हूँ इसके अंदर 3 शिया भी शामिल हैं। शिया जब ये इन्होंने 1.8 बिलियन मुसलमान कहना होता है तो तब सारे बीच में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर वालों की नजर नहीं होती तो फिर ये ब्रेलवी भी काफर हो जाता है, देवबंदी भी काफर हो जाता है, अहले हदीस भी काफर हो जाता है, और शिया तो है ही काफर। सिर्फ अहमदियों के ऊपर इनका एक इत्तफाक है कि वो सारे कहते हैं काफर हैं, लेकिन क्योंकि उनका नंबर थोड़ा, लेकिन जब इन्होंने यूएन में अपने नंबर बढ़ाने होते हैं तो मेरा ख्याल तब उनको भी बीच में शामिल कर देंगे कि हम 2 अरब 2.5 अरब, कुछ दिनों बाद आप 3 अरब का लफ्ज भी सुनने लग जाएंगे कि 3 अरब मुसलमान है दुनिया में। तो लेकिन ये करते क्या इंसानों के साथ, कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली सारी वीडियोस आपको नहीं दिखा सकता। ये एक पहली जो रिपोर्ट है ये दिल दहला देने वाली खबर है। ये बच्ची की तस्वीर पूरी इसमें नजर नहीं आ रही, आइडेंटिफाई नहीं हो रही और होनी भी नहीं चाहिए। खिपरों में सिंध में एक बावर्ची मोमिन बावर्ची ने लोकल चर्च में जाके एक 12 साल की क्रिश्चियन बच्ची के साथ जिंसी ज्यादती की। जरा सुनिए टीवी पे रिपोर्ट आई है, टीवी ये क्या रिपोर्ट कह रही है। खिपरों से खबर देते चलेंगे। खिपरों की साय कॉलोनी की रिहायशी 7वीं जमात की तुलबा अनिया अंजलि कोल्हन को वैश्य जवाबदार चर्च के बच्ची ने चर्च के कमरे में ले जाकर मुबैना जिंसी ज्यादती कर दी। बच्ची की चीखों पर कॉलोनी वाले पहुंच गए। ऐसी शिकायत पर खिपरो पुलिस पहुंच कर बच्ची को तहसील अस्पताल खिपरो ले आए, जहां पर ड्यूटी डॉक्टर निया ने मेडिकल टेस्ट के टेस्ट में जिंसी ज्यादती की तस्दीक कर दी। खिपरो पुलिस ने बावर्ची को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वालिद चंदर ईसाई ने बताया कि मेरी बच्ची पर पादरी के बावर्ची साजन ने नाहक किया, इंसाफ किया। यानी पादरी का बावर्ची है, यानी वो चर्च में काम करता है। तो पादरी ने इनको काम करने के लिए रखा, लेकिन ये कहीं, क्योंकि ये एक बीमारी है। मैं इसमें चले इस्लाम को दोष नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं से इस्लाम से तो रवैया आता है, लेकिन चले सारे मुसलमान चूंकि ऐसे नहीं है जो कि सारे इस्लाम को समझते हैं, उसकी वजह ये नहीं कि इस्लाम बेकसूर है, इसकी वजह ये है कि लोगों ने अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ। लेकिन जो सेंट्रल जो बीमारी है वो ये है कि ये काफरों को इंसान नहीं समझते। अब देखें, एक पादरी ने एक मुसलमान बावर्ची को नौकरी दी कि तुम हमारे चर्च में हमारे बावर्ची खाने में काम कर लो, और उसने मौका देखा, किसी मुसलमान बच्ची को नहीं पकड़ा, उसने किसको पकड़ा, क्रिश्चियन बच्ची को। उसने कहा चलो जी पर हाथ साफ कर देते, इंसान नहीं समझते। यही हमने रवैया इनका बाहर के मुल्कों में देखा। कितनी वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं जहां पर ये लोग आते हैं बाहर के मुल्कों में, 12-12, 13-13 साल की अंग्रेज क्रिश्चियन बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना रहे होते हैं, फिर जब पकड़े जाते हैं तो रोते हैं। तो बहरहाल अच्छी बात यह है कि पुलिस ने इसको पकड़ लिया। दूसरी जानिब खिपरो थाने पर अनिया अंजलि के वालिद के फरियाद पर जवाबदार साधन वल चौमार कोहली पर मुकदमा दर्ज कर लिया। खिपरो पुलिस के मुताबिक नौजवान बच्ची की ज्यादती करने वाले जवाबदार साजन को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एकता टीवी न्यूज रिपोर्टर तो ये तो जी चलें, एक क्रिश्चियन की कहानी थी पाकिस्तान में इस हफ्ते की। अच्छा जी आगे क्या हुआ ये देखें। ये एक हिंदू बच्ची है, बागू कोहली इसका नाम है। इसको पहले उठाया गया, फिर इसको कन्वर्ट किया गया पीर आगा खान आगा जान सरहंदी दरगाह गुलजारे खलील इन सुमरू में, और फिर इसकी मुसलमान से शादी कर दी गई रमजान के महीने में। सुनिए जरा, बड़े हरामी है ये। और ये पहले बच्ची को उठाते हैं और उसको कहते हैं जोर जबरदस्ती तो नहीं तुम्हारे साथ की। बच्चे की इसीलिए गवाही को कबूल नहीं किया जाता क्योंकि बच्चे को मैनिपुलेट किया जा सकता। अगर आप बच्चे को जोर जबरदस्ती से नहीं घेर के लाते, किसी और उसको टॉफी के लाले से घेर के ले आते हैं और उसके साथ
अपने मनमानी करने लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें टॉफी दूंगा अगर तुम ये काम करोगे मेरे साथ, तो क्या उसको उसकी इजाजत दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। इसको कहते हैं मैनिपुलेशन, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी आरएबी। ये इनके साथ होता है और ये बड़े मजे से वीडियो पहले बनाते हैं, कहते हैं जी हमारे इस्लामी हक है हमें, क्योंकि हजरत अली ने 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया था, इसलिए बच्चे भी इस्लाम कबूल कर सकते हैं। इस्लाम कबूल कर सकते हैं, इस्लाम छोड़ नहीं सकते। ये इन बेशर्म बगैरतों की हरकतें और ये स्टेट की नाक के नीचे होता है। लालच केम के समझी ना पने रजा खुश सा सलाम का बोल गए कोर्ट ते बयान दिंदो उमर घणी आवाजी 16 साल आ 16 सो दी कुदा आप भी जात भी 16 सो दी कुदा आप भी जात 16 साल उसने उम्र बताई है, हालांकि वैसे उसके मां-बाप से कम उम्र बता रहे हैं। बैठा किथे आयो? जिगमोरी खणी सुनत खणी। तो ये इस बच्ची से इस्लाम कबूल करा लिया गया और ये 16 साल उससे उम्र उसने बताई अपनी, लेकिन फिर भी 18 से कम ही है, तो माइनर ही तसव्वुर की जाएगी। कोर्स बच्चों को बड़े आराम से किया जा सकता है, इसलिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि जी वो अपनी मर्जी से कह रही है, देखे जी हमने वीडियो रिकॉर्ड करा लिया। अच्छा जी, अब ये देखें, ये भी इसी हफ्ते हुआ, पिछले 24 घंटों में हुआ। इस बंदे को एक 3 आदमियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ, इनको अरेस्ट किया क्योंकि इन्होंने पहले एक हिंदू बच्चे दीवू कोहली के साथ जिंसी ज्यादती की और फिर उसका सरतन से जुदा कर दिया। ये वाकयात होते हैं पाकिस्तान में आए दिन। ये मैंने आपको ये जितनी 3 कम्युनिटीज के ऊपर आपको खबर दी है, दो कम्युनिटीज के ऊपर दी, अभी तीसरी शियों के ऊपर भी आ जाते हैं। ये होता है इस मुल्क में रोज। मैं अगली वीडियो आपको चला नहीं सकता, ये वीडियो है। और एक मॉब ने इकट्ठे होकर पुलिस की मौजूदगी में उनको लाठियों से मार मार के पता नहीं इनको ये जिंदा बचे या नहीं बचे। तो शियों ये वीडियोस मैंने भी देखा और ये वीडियो वाकई चला नहीं सकते। वो तीनों बेचारे जमीन पर पड़े हुए हैं सड़क पर तपती गर्मी में और उन पर लात घूसे, पता नहीं कोई हरकत नहीं हो रही थी उनके जिस्म में, लात घूसे पड़ रहे थे, डंडे पड़ रहे थे, कोई हरकत नहीं हो रही थी। तो मुझे लग रहा है वो मरी गए होंगे बेचारे या बेहोश होंगे, ऐसे कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा होगा क्या हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत बुरी तरह मारा गया, और शिया मुसलमान तीनों, आप समझिए इस बात को। तो भी इन्होंने डंडे मार मार के मार दिया। ये है इस मुल्क की हालत और ये चलते हैं दुनिया को लेक्चर देने, फलस्तीन में क्या हो गया, तो जी वेस्ट में इस्लामोफोबिया आ गया, इंडिया में क्या हो गया। ये भी आपको पिछले 48 घंटों की 3 खबरें 3 कम्युनिटियों के ऊपर दी है। शियों को मार दिया जान से ब्लास्फेमी के नाम पे, हिंदू के साथ जिंसी ज्यादती बच्चे के साथ की, उसका सरतन से जुदा कर दिया, हिंदू लड़की को उठा के उससे इस्लाम कबूल करवा लिया, शादी भी कर दी, और क्रिश्चियन बच्ची के साथ जिंसी ज्यादती की उसके मुसलमान शेफ ने, जिसको एक पादरी ने नौकरी दी थी। ये आपकी पिछले एवरेज 48 आवर्स इन पाकिस्तान है। तो ये लोग आपको लेक्चर देंगे कि इंडिया में क्या हो रहा है या वेस्ट में क्या हो रहा है या इसराइल फलस्तीन में क्या हो रहा है, वो तो जंग हो रही है ना। तो पता नहीं इन लोगों की आंखें कब खुलेंगी। ये ऐसे ही है, ऐसे ही चलते रहेंगे। और जब एक मुआशरे का कोलैप्स होता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कोलैप्स नहीं होता, वो सोशल कोलैप्स भी हो जाता। इस मुल्क की कोई भी चीज, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो आपको ये बताएगा कि जो बेहतरी की तरफ है, ये सिर्फ तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और अभी तक तो लगता है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को भी क्रॉस कर चुके हैं, अभी नहीं लग रहा कि कोई यू टर्न होगा जो तबाही की तरफ से रास्ता हट के बेहतरी की तरफ जाएगा। उसका पहला फर्ज ये है कि आप अपने इंसानों को बराबर समझें, तमाम इंसानों को इक्वल समझें। जब आप इंसानों की जिंदगियों की, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे तो फिर मुआशरे में हर चीज खुद ब खुद ठीक होने लग जाएगी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तभी आपके लीडर्स भी वैसे, आपके थानेदार भी वैसे, आपके फौजी भी वैसे, आपका लाइनमैन भी वैसा, आपका मीटर वाला भी वैसा, हर चीज ही खराब है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बेहतरी आने वाली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी, वीडियो खत्म हो गई, और अभी हाल ही में मैंने एक और वीडियो पर रिएक्शन दिया था, आपको याद होगा, एक बहुत पहले मैंने रिएक्शन दिया था जिसमें वो पानी पीने जाते हैं, शरबत पीने जाते हैं, उनका ग्लास अलग है, उस पर बड़ा बवाल मचा था। तो पहले वो दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर पहले भी एक गिलास पड़ा हुआ है हमारा, ये जी हमारे जो है हिंदू वाले गिलास यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पे ठीक है। तो हमारे जो हिंदू के गिलास होते हैं वो इस तरीके से हम अलग रख देते हैं अपना, यानी कि पानी वगैरह पीते हैं धोकर रख देते हैं, क्योंकि देख लो भाई इतना यानी कि बुरा बिहेवियर हमारे साथ करते हैं ना, तो मजबूरी है, रह रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। और जी हम क्यों, हमें अपनी शिनाख्त करानी पड़ती है, ठीक है ना, कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम ऐसा ना बताएं कि हम हिंदू नहीं है, बाद में खाना खाने के बाद उन्हें पता लग जाए ना कि ये हिंदू था और इन्होंने मुसलमान वाले बर्तन में खाना खा लिया, फिर जो हमारी ठुकाई होती है वो बहुत गंदी होती है, बहुत बहुत बुरी होती है भाई। इसलिए डरते हैं भाई, क्योंकि हमारे साथ तो एक दो बार ऐसा वाक्य हो चुका है, फिर वो बर्तनों का जो डबल पैसे लेते हैं हाथ लगाने के, कि आपने हमारे बर्तन को हाथ लगा लिया, अब इनके डबल पैसे दो आप हमें, तो बहुत यानी कि ऐसा हो जाता है। ये देख लिया आपने, ये डिस्क्रिमिनेशन है।
दूसरा वीडियो मैंने अभी किया कि एक मुसलमान यूट्यूबर हैं, वो बेचारे गए एक हिंदू फैमिली के पास और उन्होंने दिखाया कि देखो क्या हालत है। देखिए, क्या नाम है भाई आपका? राजा। यहाँ रहना पाकिस्तान में बेफजूल है, यहाँ तो कोई हमारे हाथ का खाता भी नहीं है। हम खाता दूर, हमारे को बोलते हैं वो दूर से खड़ा होके बात करो। अच्छा। हाँ, गिलास भी धुला के पानी पिलाते हैं, कप में पानी पिलाते हैं और गिलास अलग रखा हुआ है। टेलर आपके हाथ का यानी कुछ लेते ही नहीं है? कुछ भी नहीं लेते हैं। पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाना चाहते तो यह इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनके हाथ का कोई लेता नहीं है, खाता पीता नहीं है। मुस्लिम ज्यादा है तादाद में पाकिस्तान में, तो इसलिए ये जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ का कोई पानी पीने के लिए भी तैयार नहीं है। समोसे पकौड़े भाई दूर की बात है, वो कहाँ से खाएंगे? यानी कि रोज इन्हें हर मिनट हर सेकंड हर घंटे इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है मुसलमानों के द्वारा, कि चूंकि वो हिंदू है इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेट करो, नौकरी है नहीं, छुआ खाएंगे नहीं, तुम दूर रह के बात करो। आप समझ रहे हैं कि ये जो मेंटल टॉर्चर है जो मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है पाकिस्तान के भीतर हिंदुओं पर या दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर, आप समझ रहे हैं ये टॉर्चर कितना बड़ा टॉर्चर है? हर रोज ये टॉर्चर उन्हें सहना पड़ता है। और भाई उनके बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं, आप उनकी बच्चियों को उठा लेते हो, कन्वर्ट करा देते हो, तो इनकी प्रोग्रेस रुक गई, डेवलपमेंट रुक गई, आगे बढ़ नहीं सकते, नौकरी ढंग से कर नहीं सकते। और ज़्यादातर संख्या इनकी है जो गरीब हैं बेचारे हिंदू, जो थोड़े अमीर हैं बढ़िया है वो तो थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, कहीं बाहर सेटल हो गए, ये बेचारे क्या करेंगे, और इनकी संख्या ज़्यादा है। तो या तो इनके साथ दो ऑप्शन है, या तो मर जाओ या कन्वर्ट हो जाओ। तीसरा ऑप्शन, जो दूर भाग के कहीं चले जाओ, तो इनके पास पैसे होंगे तब तो भाग के जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, ट्रेन का टिकट, हवाई जहाज का टिकट, निकलेंगे कैसे, वीजा कैसे बनवाएंगे, कुछ नहीं पता इनको। तो ये होती है असल, जो कहते हैं ना प्रेशर डालना, कि ऐसे कन्वर्ट कराने के लिए पूरा माहौल तैयार किया जाता है, लाइनमैन भी वही, गांव का मालिक भी वही, पानी देने वाला भी वही, सब कुछ वही। कहां बच के जाओगे, बच के कहां जाओगे? आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आपको भगाया जाएगा, आपको काम नहीं दिया जाएगा, आपके पैसे मारे जाएंगे, आपके बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, क्या करेगा बंदा? और फिर कोई एक मौलवी आएगा बोलेगा देख अगर तू कन्वर्ट हो गया ना तो ये सबसे बच जाएगा, एक दिन आके वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। और देखिए क्या हो रहा है, और उसके बाद ये ढोल पीटता है कि भारत में ऐसा होता है जी माइनॉरिटी के साथ, भारत में वैसा होता है, लेकिन एक्सपोज कौन हो रहा है? एक्सपोज खुद हो रहे हैं, क्योंकि अपने यहां जो घर में आग लगी है वो तो दिखती नहीं। और इसीलिए अब देखिए, अब रिपोर्ट में पिछले बार ही वो बच्चों के खिलाफ जो 33% हरासमेंट की चीज़ें आई हैं, उनमें बच्चों बच्चियां तो करते ही हैं, देख ही रहे हैं आप लोग, बच्चों के साथ, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, लड़कों को, मासूम बच्चों को, मदरसों में क्या होता है, ये आए दिन खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान से ही खबरें आ रही हैं। तो सही कहा हारिस भाई ने कि जब कोई देश ख़त्म होने लगता है तो सोशली वो ख़त्म हो रहा होता है, मोरली ख़त्म हो रहा होता है, और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। लेकिन अभी भी कई पाकिस्तानी ऐसा है जो उनको इस पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि नहीं नहीं असी तो बहुत अच्छे हैं हम लोग, तो पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है। अच्छा है भाई, मानते रहो, जब जिस दिन पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा उस दिन भी शायद तुम लोग यही करोगे कि नहीं नहीं पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क। कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तानी जो है वो माइनॉरिटीज के लिए मॉन्स्टर्स हैं, और ये झूठ नहीं है, ये सच है। और हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ जाहिलियत का दौर दौरा है, यहाँ पे आपस में ही मुसलमान एक दूसरे को काफिर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और दूसरों के साथ इन्होंने अच्छे सलूक कैसे करने हैं। अब देखिए, एक बच्ची को उठाया गया है और उसे कन्वर्ट किया गया है, उसकी शादी भी कर दी गई और फिर उससे ब्याह भी दिलवाया जा रहा है, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो नहीं उठाया गया ये वो, जब उसके माँ बाप उसके बहन भाइयों को जान गैरमाल बनाया होगा या उसको धमकी ऐसी दी होगी कि मार देंगे सबको नहीं तो ये करो, तो फिर ऐसे ही बयान आते हैं। उसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं है कि कोई अपना धर्म छोड़ के दूसरा कन्वर्ट हो जाए, धर्म इख्तियार कर ले, क्योंकि आज के टाइम पे कोई इस्लाम का कोई वो बोलबाला जो हम सुनते थे तारीख में वो नजर नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा किरदार नजर नहीं आ रहा है कि जिसको देखते हुए हाँ हाँ वो बच्ची बड़ी मुतासर हुई तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, ये कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन अजीब लोग हैं, अजीब जहनीयत है, पता नहीं इससे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ चर्च में वो जो कमसिन बच्ची से ज्यादती की गई, और दूसरा शियों के खिलाफ जो यहाँ पे इस्तेसाल होता है उससे कौन वाकिफ नहीं है। लेकिन जब हम
दुनिया को दिखाना हो तो फिर हम शिया सुन्नी भाई भाई बन जाते हैं, जब हमें अपने ही अंदरूनी जो मामला निकलते हैं फिर शिया भी काफिर, सारे काफिर, वो भी काफिर, और फिर काफिर की बुनियाद पर एक दूसरे से रिश्ते नाते तल्लुकात सब छोड़ दो। तो ये पाकिस्तान के लिए जो आज मैं समझता हूँ कि जो हालात हैं उसकी वजह भी यही है, जो पाकिस्तानियों की ज़हनियत है, इसीलिए पाकिस्तान पे ना कोई ट्रस्ट करता है, ना कोई एतमाद करता है, और ना ही कोई इनके साथ मेल जोल बढ़ाना चाहता है। उसकी वजह यही है कि ऐसी गंदी ज़हनियत जब होगी, तो देखिए कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन जब बेसिक पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो ये निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर किस तरह से उसको जस्टिफिकेशन मिलेगी। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, खास करके हमारे लिए, कि हमें देखना पड़ता है कि हमारे ही मुआशरे में ऐसे जानवर नुमा इंसान जो है वो पनप रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही देखें, ये पाकिस्तान ही नहीं, जहां भी जो है वो कोई भी बड़ा कांड होता है तो उसके पीछे हम क्यों देखते हैं कि किसी मुसलमान का याद क्यों होता है, कोई भी ऐसा सानिया होता है उसके पीछे हम ये क्यों देखते हैं कि वो उसके पीछे मुस्लिम का ही आता है। तो यही बात है कि हमें जो है हमारी तरबियत में फर्क है, जो जो हमारी तरबियत करने वाले अदारे हैं, ये जो हमारी तरबियत करने वाले जो गढ़ हैं, वही जो है इस चीज को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर हमारी तरबियत कौन करेगा, हमारी तरबियत किसने करनी है। देखिए कि जहलियत इतनी ज्यादा है कि हम जो है वो जो है बच्चियों को ये भी नहीं देखते कि ये बच्ची कम सन बच्ची है, हम उसको भी यरगमाल बना रहे हैं। अब देखिए कि वहां वो जो बच्ची से वो जो बयान ले रहा है मौलाना साहब, जो उसे कन्वर्ट कर रहा है, जो उसे कलमा पढ़ा रहा है, तो वो देखिए वहां पे उसे पूछ रहा है कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, तुम्हें किसी ने यरगमाल तो नहीं बनाया हुआ, तुम्हें किसी ने कोई गन पॉइंट या कोई जोर जबरदस्ती कोई धमकाया हुआ तो नहीं है। भाई वहां पे वो कैसे आपको बताएगी कि मुझे धमकाया या मैं यहाँ पे बयान दूंगी तो मेरे पीछे घर वालों के साथ क्या होगा, ये वो अच्छी तरह जानती होगी, उसको पता है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पे वो देखती है कि ये कितने जालिम और कितने दरिंदा नुमा इंसान है। तो फिर उसने बयान यही देना है कि भाई मैं जो है अपनी मर्जी से ही जो है ये सब कुछ कर रही हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, अपनी मर्जी से ही जो है वो मजहब चेंज कर रही हूँ। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें जो है इस्लाम को बदनाम कर रही हैं। ये एक नहीं, ये हजारों दर्जनों ऐसे वाकयात आपको मिलेंगे कि जिसके पीछे जो है मुस्लिम का याद होगा, जो भी ऐसा सानिया होगा, लेकिन इसके ऊपर हमें सोचने की जरूरत है, अपने किरदार को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक ये माशरा, ये जो लेबल हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये कभी भी नहीं तोड़ सकता। बिल्कुल जी, आप देखिएगा अकेली बेटी को जो है ना वहां पे मौलाना पूछ रहे हैं, अब चाहिए तो ये था कि भाई इसके घर वालों को लेकर आए, उनसे पूछेंगे भाई आपकी बच्ची जो है ना वो मुसलमान हो रही है तो क्या भाई आपको इसके ऊपर कोई इतराज है, आप कल को आपने भी यहाँ रहना है, इसने भी यही इतराज करते और फिर भी वो डटी रहती। फिर बता ना, तो फिर भाई जब वो ऐसी बात करता तो जिसने उसके घर वालों को उठाया था उसने मौलाना के घर वालों को भी साथ में उठा लेना, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि तुम ये सवाल कर रहे हो। तो ये वाकई सिंध में ये ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल जबरदस्ती हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ ही नहीं, मुसलमानों के जो गरीब वहां के जो मुजावर हैं उनकी बच्चियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये है कि मीडिया के ऊपर जो हाईलाइट्स होती हैं वो इन चीजों को भी हो जाती है, जो मुसलमानों की है उसको दबा दिया जाता है वैसे भी, लेकिन ये आप देखिए तवातुर के साथ ये चीजें आप बाहर आ रही हैं, तो इन चीजों के ऊपर हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अब देखिए कि एक क्रिश्चियन जो है ना उन्होंने चर्च में एतमाद करके आपको रखा है, लेकिन देखिए कि आपने उसका कैसा पाली ली है कि पूरे मुसलमानों का नाम जो है ना वो आपने मट्टी में मिला दिया है। तो चीजें यही है कि कहीं ना कहीं पे आगे हम शैवत परस्ती का शिकार हैं। आज हमारे नौजवान जो बच्चे हैं उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें हम इस तरह का माहौल है कि वो अब जो है ना जिंसी दरिंदे बन चुके हैं, अब उनको कुछ भी नजर नहीं आता। तो इसके ऊपर देखिए कि बदकिस्मती है कि जो हमने बेहतर करना है, हमने तरबियत करनी है, हमने माहौल को बनाना है, वही हम खुद ही माहौल को बिगाड़ रहे हैं, और उसमें सारे असाज़ा भी शामिल है, उलमा किराम भी शामिल है, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि माहौल सबसे ही बनता है। हमें एज ए कौम अपने किरदार को बेहतर करने की जरूरत है। हमारा किरदार जो है ना अखलाकी तौर पे बिल्कुल ही इंतहाई पस्तियों में गिर चुका है, और इसी वजह से आज आए रोज ऐसी खबरें आती हैं और दुनिया हमारे ऊपर हंसती है कि भाई ये कैसी कौम है कि दुनिया के अंदर इनका जो सुन लें कि हम जज्बा वाली कौम, हम दुनिया की नंबर वन कौम, लेकिन अखलाकियात इनकी देखी जाए तो ये जो है ना कहाँ पे गिरे हुए हैं। और देखिए कि आपस में इनकी बनती नहीं है लेकिन दुनिया पे हमने राज करना है। तो चीजें यही हैं कि पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा,
अपने घर को बेहतर करना पड़ेगा, फिर अपने मुल्क को बेहतर करना पड़ेगा, फिर हमें दूसरी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। उससे पहले हमें घर को ठीक करेंगे तो फिर ही है ना, अपने घर में आग लगी हुई है, अपने घर में हर तरफ सैलाब आया हुआ है, अपने घर में हर तरफ जो है ना तबाही मची हुई है, लेकिन हमने दूसरों के ठेके लिए हुए हैं, हम दूसरों की जंगों में कूद रहे हैं, हम दूसरों की जमा पे जो है ना जो जुल्म ज्यादती हो रही है उस पर आवाज उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे तो अपने घर में नहीं उठा रहे। तो ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में अगर कहीं पे है तो वो पाकिस्तान ही है, और इसके ऊपर जो है ना सिवाय अफसोस करने के कुछ क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, सब कुछ पाकिस्तान में ही है, पूरी दुनिया का गम पाकिस्तान को खाया जाता है, लेकिन अपने मुल्क में क्या हो रहा है इस पर बात करने की किसी में हिम्मत नहीं है। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।